हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ATC क्वाइन को क्रिप्टो इनबॉक्स से नोवा एक्सचेंज पर हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए और ध्यान से देखते रहिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आप ATC क्वाइन को नोवा पे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले आपको नोवा में ID बनाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद हम उसमें ऑप्शन बता देते हैं और आप जब कॉपी करके ले आएंगे तब आपको क्या करना है, देखिए आपको जाना है विड्रॉवल पे, न्यू विड्रॉवल कर दीजिए। यहाँ पे विड्रॉवल रिक्वेस्ट में 50 क्वाइन ओनली 50 क्वाइन ही डालिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं डालना है ना, कम नहीं डालना है। देखिए यहाँ पे वॉलेट एड्रेस आ गया, इसको आप सबमिट कर दीजिए। ये देखिए विड्रॉवल रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पे ये सेंड भी हो गया। देखिए विड्रॉवल ID इतना और ये पेंडिंग में है, ये कुछ समय बाद वो हो जाएगा, 1-2 घंटे लगता है। तो अभी स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, आप जल्दी से जल्दी इसको ट्रांसफ़र करते रहिए और मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम 50, कहने का मतलब यही है कि 50 से कम ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही ये एक्टिव होगा उसको हम नोवा पे आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और नोवा पे ट्रांसफ़र कर लेने के बाद आपको जेपे की ज़रूरत पड़ेगी। जेपे का हम यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, उससे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ से आप उसको पेन कार्ड से अपना अप्रूव कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ट्रांजेक्शन करने में आसानी होगी। कहने का मतलब ये है कि नोवा से आप जेपे में ट्रांसफ़र करेंगे तभी आप उसको INR में, रुपीज़ में बदल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कि जो हमने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, तो वो पेंडिंग में शो कर रहा है। तो जब तक वो पेंडिंग क्लियर ना हो जाए तब तक हम उसको नोवा पे नहीं ले जा सकते, तो उसको हम वेट करते हैं कि वो पेंडिंग है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे नोवा पे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे, उसका पूरा डिटेल हम आपको देने वाले हैं। तो आप जानने के लिए चैनल पर बने रहिए। और आप सोचेंगे कि जल्दी से जानकारी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी जानकारी फ्रेंड्स धीरे धीरे होता है। देखिए वहाँ पे हमने किया है, वहाँ पे 1 घंटा का प्रोसेस लग सकता है, 1 घंटा के प्रोसेस से भी ज़्यादा समय लग सकता है, 1-2 दिन। तो आप वेट कीजिएगा, ठीक है, जैसा ही इन्फॉर्मेशन हमको अपडेट मिलते रहेगा हम भी आपको अपडेट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यही कहेंगे कि आप चैनल पे बने रहिए और कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे वॉलेट क्या करना है, वो हम आपको जैसे ही वो एक्टिवेट होता है हम आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स को और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको दोबारा देखने को ये मिल सके। आपके लाइक वीडियो में आप जाके इस वीडियो को दोबारा देख पाएंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे अपलोड करने पर तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।